गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजीज़ की फायर सिनेमा आईएएस अकेडमी। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो नेशनल लेवल से तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर स्टेट लेवल से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसको पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेट करेंगे और पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया और यूएसए के बायलैटरल कोऑपरेशन में देखेंगे। तो देखते हैं टॉपिक क्या कह रहा है। टॉपिक है एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022। तो ये एक्सरसाइज में हम देखते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि ये 13th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज कौन से कंट्रीज में हो रही है। हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस का ये जॉइंट एफर्ट है। तो इंडिया और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज की एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज वज्र प्रहार। और ये कब से स्टार्ट हुई है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारी बनेगी हैंडलूम डे की सेलिब्रेशन दैट इज 7th अगस्त के बाद 8th अगस्त को एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, अब लोकेशन देखते हैं जो एचएस करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वो है कि हिमाचल प्रदेश में एक्सरसाइज हो रही है और कहाँ पर हो रही है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। स्पेसिफिक लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल हिल विलेज यू नो बॉर्डरिंग पंजाब स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पठानकोट, उसके बॉर्डर पर एक विलेज है यू नो बिकलॉक, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। ये एक्सरसाइज जो है अल्टरनेट होती है, इसलिए जो एक्सरसाइज का लास्ट जो एडिशन था, प्रीवियस एडिशन, एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकते हैं, वो एडिशन जो है 12th एडिशन हमारे पास जो है वो यूएसए में वॉशिंगटन में कंडक्ट हुआ था 12th एडिशन। अब इसके हम कीवर्ड्स देखेंगे कि इस एक्सरसाइज की जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर क्या है कि इट इज़ गोइंग टू स्ट्रेंथन द स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी। इंडिया और अमेरिका के जो है बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एरियाज में इसका जो इम्पोर्टेंस है, इस जॉइंट एक्सरसाइजेस का जो और ग्लोबल लेवल पर जो हमारी काउंटर टेररिज्म की थ्रेट्स हैं उसके लिए इसका सिग्निफिकेंस है। सो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर आपसे यहाँ पर कीवर्ड्स यूज़ करेंगे कि इस एक्सरसाइज के थ्रू दोनों कंट्रीज जो हैं अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, उनकी टैक्टिक्स और उनकी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो क्या रही हैं। और अब यहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज में स्पेशल ऑपरेशंस और काउंटर आपके टेररिज्म रिलेटेड एक्सरसाइजेज में आपके और कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं अमेरिका के साथ जो है इंडिया कंडक्ट करता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात हमें क्लियर होगी कि ये जॉइंट फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं। और दूसरी एक्सरसाइजेज जो हमारी हो रही हैं, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आर्मी के साथ हमारे पास हो रहा है यहाँ पर, कोप इंडिया एयरफोर्स के साथ, ये टर्मिनोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लैग यूएसए की के साथ हमारी एक्सरसाइज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया और यूएसए के साथ साथ जापान का भी रोल है। तो ये है एक्सरसाइज का नेशनल पर्सपेक्टिव। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसको स्टेट के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा इस पार्ट से। तो हमारे लिए यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में बकलॉक में जहाँ पर हो रहा है, तो इसको हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि इस स्टेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये कंटोनमेंट एरिया है, तो आप ये और ये कंटोनमेंट एरिया 4th कैटेगरी का एरिया है। 4th कैटेगरी से मतलब है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो लेस देन 2500 है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, व्हाट इज़ देयर नंबर, और कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं, उनके नाम और नंबर आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। और इस एरिया की इंपॉर्टेंस इसलिए यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट्स है। और कुछ टाइम पहले ये न्यूज़ में भी रहा था कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो गोरखास हैं दे आर डिमांडिंग स्केड्यूल ट्राइबल स्टेटस फॉर देम। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कंटोनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कंटोनमेंट बोर्ड का एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो आपको पता चल रहा है, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल है, राइट। तो डेमोग्राफिक वाइज और लोकेशन वाइज ये एरिया सूट करता है, इसीलिए इस ट्रेनिंग जो है यहाँ पर हो रही है। बट फ्रेंड्स, ये भी नोट करना ज़रूरी है कि यहाँ सिर्फ यूएसए की ट्रेनिंग नहीं होती है, इवन द कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, यहाँ के कंट्रीज के भी फोर्सेज की ट्रेनिंग जो है स्पेशली पास्ट प्रीवियस ईयर्स में हिमाचल प्रदेश के स्कूल में कंडक्ट करवाई गई है। ये बहुत ही प्राइड और प्रेस्टीज की बात है कि स्टेट के चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो है इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की एक्सरसाइजेस हुई हैं। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा इस पार्ट से। यू डू स्टडी दिस, इसका जो कंटेंट है वो आपके जो है लिंक इसका आपके साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।